हाँ दूध पीता बच्चा। ये कितने दिन का है थोड़ा सा। सो हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आए हैं आरिफ भाई के घर पे आए हुए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आया है, तो इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है। और जो आप मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं उनकी फुल डिटेल भी आपको मिलेगी कि क्या क्या कीमत के हैं और किस किस रेंज में हैं और कौन कौन सी नस्ल पे हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ते बकरे लेकर आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आरिफ भाई के पास हैं। और यहाँ का एड्रेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ का एड्रेस है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का, ये देवचरा एक कस्बा है, गांव भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप बरेली से आते हो तो 18 किलोमीटर दूरी पे है, और बरेली बदायूं रोड पर स्थित है ये देवचरा, जो कि रोड पर ही है। तो वहीं पर बाज़ार लगता है, बृहस्पतिवार का भी लगता है और इतवार संडे का भी लगता है। तो बृहस्पतिवार का बाज़ार काफ़ी भारी रहता है, तो बाज़ार के जस्ट पास में ही इनका फार्म है आरिफ भाई का। तो इस वक्त हम इनके फार्म के पास में घर है इनका, तो घर पर आए हुए हैं। तो अभी कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं घर पे, वो हम आपको दिखाएंगे। और कुछ बच्चे जो हैं जो अभी जो राजस्थान से लेकर आए थे, और वो एरो बकरा मंडी चले गए, क्योंकि दिन है आज मंगलवार। तो आप लोग ये मत बोलो कमेंट करके कि पुराना वीडियो है, पुराना नहीं होता है, हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आरिफ भाई से मिलवाएंगे, और जो कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आरिफ भाई से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहें। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चे, सभी बच्चों पर आप जो है नज़र डालिए, और बच्चे हम आपको दिखाएंगे। आरिफ भाई देखिए तैयार हैं। तो आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। और आरिफ भाई कैसे हो? मिलाइए हाथ। और बढ़िया। तो आरिफ भाई, आप जो है ये बच्चे आज ही लेकर आए हो, कल लेकर आए हो? आज लेके आए, सुबह चार बजे। कहाँ से लेकर आए हो? जयपुर से। अच्छा, जयपुर राजस्थान से लेकर आए हो। काफ़ी मेहनत कर रहे हो आरिफ भाई हैं। तो आरिफ भाई, अपने ये कितने बच्चे लेकर आए थे? माल ले आया था अपना कुछ कमती बढ़ती, मान लो तो 80-90 के आसपास। अच्छा, 90 पीस लेकर आए थे। तो कुछ बच्चे जो हैं वो कहाँ, मतलब एरो मंडी? 60 माल तो चला गया एरो बकरा मंडी। तो कौन कौन लेकर गए? दो भाई लेके गए। कौन? एक का नाम मोहम्मद याशीन है जी, और एक का नाम है मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, जिन्हें बंटी भाई बंटी भाई नाम से जानते हैं सभी लोग। तो अच्छा, तो ये एरो बकरा मंडी भी मिल जाएंगे? हाँ। दोनों भाई लेकर गए हैं, 60 पीस लगभग लेकर गए हैं। हाँ। तो अभी जो है हमारे पास, अब वहाँ पे कोई बच्चा बताओ जो स्टार्टिंग हो सबसे कम कीमत की, क्योंकि सबसे कम कीमत वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जी हाँ, 3000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 3000 से स्टार्टिंग है। कुछ गुंजाइश है इसमें? गुंजाइश का है 150 रुपये। 2500 में लग सकता है? नहीं ना ना यार, 2500 का तो हमें भी नहीं मिला। नहीं लगेगा 2500 में? तो कितने में फाइनल बता दो? फाइनल का 28 रुपये मिल जाएगा। 28 में मिल जाएगा, ये फाइनल है। ये कौन सी नस्ल में है भाई? ये अलवरी बत्तीसा। अलवरी बत्तीसा है ये? अच्छा, राजस्थान का अलवरी बत्तीसा है। दोस्तों अगर आप इस टाइप कलर देखो, एक आता है बिल्कुल वाइट में। अच्छा, ये बिल्कुल वाइट में है। तो इसकी भी कीमत वही रहेगी? हाँ वही रहेगी। अच्छा अच्छा, 2800 स्टार्टिंग है। एंड कितने तक अपने यहाँ पर? एंड है अपने पास 15000। 15000 तक, मतलब बड़े से बड़ा बकरा। यहाँ पर मेल और फीमेल कितने हैं भाई अपने पास? फीमेल तो एक ही है। अच्छा, एक ही है। हाँ। और बाकी सब मेल हैं? बाकी सब मेल है। सब बकरे टोटल? सब। तो अच्छा, अगर कोई फार्म के लिए विजिट करे तो क्या, मतलब माल दे सकते हो भाई? हाँ दे सकते। तो जितना चाहें, जब चाहें जब मिल जाएगा। अच्छा, अरे भाई बहुत लोग जी, कम से कम देखा जाए तो तीन महीने। फार्म के लिए ऐसे बच्चे कम से कम ऐसा बच्चा होना चाहिए। होना चाहिए। इस बच्चे की कीमत 8-8.5 हज़ार रुपए की रेंज में मिलेगा। अच्छा, 8-8.5 हज़ार रुपए की रेंज में मिलेगा। अगर आप इस तरीके का, अगर आप जैसे फार्म के लिए विजिट करना चाहो तो आप ऐसे बच्चे ले सकते हैं।
छोटे बच्चे ठीक नहीं रहते हैं फार्म के लिए। पंद्रह सौ वाले बहुत हैं, 1500 वाले बहुत है। सर्दियों में मिलता है जी जी, ठंड में। हाँ, वो कौन कौन से महीने में मिलेगा भाई सस्ता? वो तो सस्ता वही मिलता है दिसंबर में, जनवरी में। अच्छा अच्छा, तो अभी अपने पास कौन कौन सी नस्ल के सभी बच्चे हैं? नस्ल अपने पास कोटापुरी भी है, मेवाती भी है जी, और कोटा राजस्थान है। अच्छा, और अपने पास मालवा है और हैदराबादी है। हैदराबादी, हैदराबादी कौन सा है भाई, दिखाओ जरा। जी ये हैदराबादी है। इसमें वजन कितना है भाई? इसमें 22-23 केजी। 22-23 केजी वजन है, माशाल्लाह काफी प्यारा खूबसूरत बच्चा। अच्छा, ये खसी है या अभी तो अंडू है? अभी अंडू है, कल करेंगे खसी। कल कर दोगे आपने? आप खुद ही कर देते हो भाई? हैं, खुद ही करते हैं। अच्छा, एक जानकारी दो लोगों के लिए, जैसे कि अगर छोटा बच्चा लेकर जाए, जैसे मान लीजिए अभी ये बच्चा खरीद लिया किसी ने, तो ये तो अभी बच्चा है, तो इसे कब तक जैसे कि कर दिया जाए खसी? ये कम से कम एक महीने के बाद कराना चाहिए। एक महीने के बाद? हाँ, क्योंकि ये बच्चा आमो हवा भी यहाँ का भी, जब तक सूट कैनल नहीं करेगा तब तक बच्चा खस्सी नहीं करवाना चाहिए। खिलाने के लिए क्या क्या खिलाना? खिलाने के लिए तो ज़्यादातर पहले तो बच्चे के लिए हल्का फुल्का दाना दिया जाता है। कौन सा दाना? दाने में क्या दाना? ये जो चोकर वगैरह जी जी हाँ, वो दिया जाता है हल्का फुल्का। दलिया गेहूं का? हाँ, गेहूं का दलिया बनवा लो, निकल गेहूं खिलाओगे तो। और हरे पत्ते में क्या क्या इन्हें देना चाहिए? हरे पत्ते में जैसे ये गुलर के पत्ते खा रहे हैं जी जी, हाँ देख सकते हो। हाँ, पीपल है, पीपल है, पाकड़ है, हाँ, और कटहल है, कटहल, नीम है। गर्मियों में ज्यादा अगर गर्मी पड़ती हो तो नीम खिलाना चाहिए, नीम खिलाना चाहिए, हाँ, जिससे नीम से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ये कौन सा चारा है जो आप खिलाते हो भाई? मैं हमेशा देखता रहता हूँ। ये लौंग की पत्ती है राजस्थान। अच्छा, लौंग की पत्ती। हाँ, ये इस टाइम इसका रेट पता है कितना जी? इसका अभी इस टाइम 26 रुपए किलो का रेट है। 26 रुपए किलो, ये वहीं से खरीद के लेकर आते हैं। तो ये लौंग की पत्ती है, तो यहाँ मिल जाएगी भाई? राजस्थान में हम लोग तो इसलिए लेके आते हैं कि हम लोगों के पास इतना टाइम का चुमाने के लिए, हम जंगल में जाए तो मजबूरी बनती है, तो यहाँ ले आते हैं, ले आते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी जो है आरिफ भाई ने दी। अच्छा आरिफ भाई, ये कौन सी नस्ल में बच्चा खड़ा है? ये वाला कौन सी नस्ल में है? ये तो अजमेरी में ही है। ये अजमेरी में है। अच्छा, अब आज आप एक बताओ, जैसे कि तोता परी की प्योर पहचान क्या होती है? लोग ये बोलते हैं कि तोता परी प्योर वाला एक नंबर, बताओ वो कौन सी पहचान है? दिखा दो जरा भाई, हाँ दिखा दो भाई। अच्छा है मेरे पास, बहुत लोग मतलब इस पर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ कि असली तोतापुरी क्या होता है। जैसे बाजार में लोग जाते हैं जी जी, इसकी कैसे, इसका छोटा सा मुंह होगा, हाँ जब ऐसा बैठा हुआ है देख रहा है, हाँ हाँ, और ये ओंट निकल रहा है बाहर। हाँ, ओंट निकल रहा है ये, ठीक है ना। ये पहचान है बच्चे की, खास खास पहचान तो यही पहचान है तोतापुरी की, ठीक है ना। इसका एक डुप्लीकेट भी आता है। अच्छा अच्छा, डुप्लीकेट कौन सा? ये डुप्लीकेट दिखा दो, इसको साथ में दिखाओ, इसको साथ में दिखाओ, जिससे कि पता लग सके, देख सकते हो ना, देख सकते हो। ये असल है, आप देख रहे हो गाइस, ये वाला ये नकल है, देख लो कहते एकदम सेम है। इसको भी लोग तोतापुरी के नाम से जानेंगे। हाँ, तो ओरिजिनल ये है और डुप्लीकेट ये है, तो आप लोगों का जो डाउट है वो खत्म हो गया। अच्छा, इसमें मेवाती कौन सा है अपने पास? दिखाओ मेवाती, दिखाओ भाई, मेवाती है। मेवाती में यही कलर मिलेगा। अच्छा, मेवाती की ये पहचान होती है, ये कलर मिलेगा मेवाती में। जब जबड़ा सेम होता है? हाँ, जबड़ा सेम होता है। जी जी जी। और सोजत अपने पास है? हाँ, सोजत है नहीं, वो सोजत है सफेद वाले, वाइट में। चलिए दोस्तों, मालवा का सोजत है। अच्छा अच्छा, मालवा का है। हाँ, ये मालवा का सोजत। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तानी सोजत होता है, यही होता है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। अच्छा, यार विदेश की सोजत को, अच्छा कान लंबे ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें कोटा है अपने पास? हाँ, कोटा है। दिखा दिखा, राजस्थान जोड़ा मेरे पास। हाँ, आप देख सकते हो जी जी, कोटा राजस्थान का जी, कोटा। अच्छा, इसकी प्राइसेस क्या पड़ेगी भाई? ये प्राइस इसकी पड़ेगी 30,000 रुपए जोड़ेगी, 30,000 रुपए जोड़ेगी, 15,000 रुपए पर नंग के हिसाब से। इसको मैं 33 किलो वजन है, 33 किलो का वजन है, 33 किलो वजन में। ये देखिए, ये खसी है या अंडू भाई? अभी तो अंडू है सारे बच्चे। अच्छा अच्छा, कल हो जाएंगे। चलिए माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे बच्चे अभी आरिफ भाई ने दिखाए अपने पास से। तो अगर आप ये करोली है, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, करोली भी दिखाओ भाई। जी ये है करोली, ये करोली, ये करोली जंगल, इसकी करोली जंगल की पहचान है। डांग का बच्चा बोलते हैं, डांग करोली का, डांग करोली का। हाँ। अच्छा अच्छा, इसकी प्राइस क्या है भाई? प्राइस तो क्या, बहुत सस्ती है देखा जाए तो। अच्छा अच्छा, 6,000 रुपये में छोटा सा बच्चा मिल जाता है। 6,000 रुपये में? हाँ, कोई मात्र 6,000 रुपये में। अच्छा अच्छा, जो ढाई 3 महीने का बच्चा। देखिए गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बच्चा है। तो इस तरीके के बच्चे अगर आप, जैसे कि नस्ल के ऊपर डिपेंड है कीमत, नस्ल के ऊपर कीमत बनती है, जैसी नस्ल वैसी कीमत। तो अभी अपने पास मतलब जो है 2800 से स्टार्टिंग है,
और कितनी 15,000 रुपये तक एंड है। तो अगर आप आरिफ भाई से कांटेक्ट करना चाहो तो आप आरिफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। आरिफ भाई नंबर बताओ। नंबर अपना है 99 97 80 79 81 81। एक नंबर अपना 96 76 96 77 87 66 84 24। ये हमारे आरिफ भाई का नंबर है, ये दोनों नंबर चालू हैं। अगर आप जब भी कांटेक्ट करें तो आप इनसे घर से ख़रीदारी करते हैं तो आपको डिस्काउंट ये होगा कि बाज़ार में आपको जो बच्चा, जैसे मान लीजिए अभी यही बच्चा जो 2800 रुपये का है, ये वाला 3500 का मिलेगा, तो ये 3500 का मिलेगा तुमको बाजार में। 3500 से 4000 की तो बात करना। हाँ, ज़्यादा का मिलेगा तो ये है। अगर आप इनके घर से ख़रीदोगे तो वो लिखाई विखाई सब बच जाएगी, तो यही आप लोगों का मतलब फ़ायदा है।